छात्रों से मनचाहा शुल्क वसूले जाने पर जदयू छात्र कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के प्रांगण में जमकर विरोध किया। इसमें छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये से छात्र लगातार परेशान रहते हैं। चाहे प्रैक्टिकल परीक्षा हो या नामांकन, सभी चीजों में अवैध तरीके से अधिकारी द्वारा पैसा वसूला जाता है। साथ ही छात्रों ने कहा कि परसों छात्र जदयू के विरोध प्रदर्शन के बाद कॉलेज ने 700 का शुल्क कम किया। साथ ही छात्रों की मांग अभी भी है कि ऑनलाइन नामांकन में नामांकन शुल्क न लिया जाए, परंतु कॉलेज प्राचार्य की ओर से संतुष्टि भरा आश्वासन बयान अब तक नहीं मिलने पर जदयू छात्र ने दोबारा प्राचार्य के घेराव करने का आह्वान किया। न्यूज़ बिहार के लिए गया से। आज हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि मगध यूनिवर्सिटी ने पहले ही पीजी में नामांकन लेने के बाद ना ही पैसा दिया और ना ही एसएससी पर जब अभी कॉलेज में फाइल कर रहा है सारा डॉक्यूमेंट, उसके बाद कॉलेज में एक्स्ट्रा अमाउंट बनाते हुए सारे बच्चों से पैसे लेने चालू कर। यूनिवर्सिटी का भी यही बात है कि हमने पैसा लेने से मना किया है, हमने पहले ही पैसे ले लिया है, लेकिन गया कॉलेज अपना मनमाना तरीका रवैया अपना रहे। गया कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात हुई तो उन्होंने यही बात बोला कि हम बल्कि से पैसे लेंगे ही नहीं, हम जाए गया कॉलेज एक सरकारी संस्था होने के बावजूद निजी संस्था की तरह काम कर रही है, छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर। अगर प्रिंसिपल साहब बात नहीं मानते तब क्या कीजिए? प्रिंसिपल अगर बात नहीं मानते हैं तो हम सारे बच्चे यही यहाँ पर हड़ताल कर देंगे, भूख हड़ताल, और प्रिंसिपल को मानना ही होगा हमारे। एक्चुअली हमने तो पीजी नामांकन 2019 जो नॉन लॉकडाउन के टाइम में 6 महीना पहले ही ऑनलाइन पोर्टल पर एक निर्धारित फीस 3800 रुपया देकर जो जनरल और BC1 BC2 के लिए, ठीक है, SC ST और गर्ल्स का जिनको 0 नामांकन ऑनलाइन एडमिशन हम लोग का हो चुका। उसके बाद जब कॉलेज लॉकडाउन के बाद खुली, एक गया कॉलेज प्रशासन अपने तरफ से कि हम लोग का यूनिवर्सिटी फीस दिया यूनिवर्सिटी संघ है और इन लोग 3800 के अलावे 3800 यानी टोटल 7000 रुपया जनरल BC1 और BC2 से लेते हैं, ठीक है, और गर्ल्स मना नामांकन और SC ST का 0 अमाउंट था और जनरल BC2 और BC1 का आपको 3750 रुपया ऑनलाइन पेमेंट हो चुका था। जब कॉलेज खुली तो यह 3250 क्यों लिया जा रहा है हम लोग? अगर इसका लेना था तो उस समय क्यों नहीं नोटिस निकाला कि हम 7000 देंगे? कहीं ना कहीं अन्याय है। हम लोग गरीब छात्र हैं सर, गरीब छात्र के बीच में जाने का पता है जिसका 0 अमाउंट पर जिसका 0 अमाउंट पर एडमिशन हुआ है उसको हम आधा से हम पैसा मांगने क्या कह रहे हैं? तुम्हारा एडमिशन हुआ सर, मैं क्यों बात कर रहे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं तो 3350 क्यों देंगे? अगर गया कॉलेज प्रचार अगर बात हम लोग को नहीं मानती है तो हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, मानना पड़ेगा। देने के लिए फॉर्म फिलअप किया था, उस टाइम हम लोगों से बोला गया कि आप लोगों के कोई भी अमाउंट नहीं लगेगी, फ्री में एडमिशन होंगे, लेकिन जब हम लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया, जब वेरिफिकेशन हो गया, यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को ये बोला कि आप लोगों का 0 अमाउंट पे वैल होगा, जब हम लोगों ने सब कर दिया, जब फाइनल हो गया, जब हम लोग अब आ रहे वेरिफिकेशन करवाने के लिए पेपर को, तो ये लोग